नमस्कार सतेज सकाळ को स्वागत करछु मचन भाई। नमस्कार सतेज सकाळ को स्वागत करछु माधुरी। ते माधुरी सतेज सकाळ प्रत्येक दिन आमे खबर कागज रो किछु गुरुत्वपूर्ण खबर कुने के आलोचना करथाउ जे खबर कागज रे केउ खबर गुडी को शिरोनामा पालटि छि ए बाबत रे मध्ये आमे प्रतिनिधि माने आमे सहित जोडी होइति समान सहित लगातार आमे आलोचना करू। तबे कोन रहि छि आजर खबर माधुरी वर्तमान नजर पकाइबा नेते चिन्मय जदि आजर प्रथम खबर पर आमे नजर पकाइबा भयंकर हेपनी तृतीय लहर जा कुने आशा आशंका करा जाउ छि। अनेक मॉडल कहउछन्ते जे लगातार देश में 4-5 लाख पॉजिटिव चिन्हट हेबे। अन्यपटे किसी मॉडल कहते जे द्वितीय लहर भली तृतीय लहर एत संक्रमित करना भयंकर हेबना कहूँ। आउ एक खबर रही 11 मास तलु चुक्ति कंट पूरला धीमा निर्माण पर अत्याधुनिक मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र 10% काम सरने ये खबर आसुच्छे जाजपुर। ए खबर पर नजर पकड़ा परवर्त खबर आम रखीछ 5 कोटी में निर्माण चली साउलिया नदी उपर सेतु अवधि सरी किंतु कार्य शेष हो पारना जहाँकि विड़म्बनार विषय। आउ एक खबर जहाँकि सारा देश में चर्चित खबर तालिबान को नहीं किभली तालिबान शासन को नहीं किभली सब चर्चित खबर रही आसी जहाँ को नहीं ये खबर आसूँ तालिबान मुकाबला लगे भारत संपूर्ण प्रस्तुत से खबर पर नजर पकाइबा। आउ एक खबर आसूँ जगत सिंहपुर जोठे स्वास्थ्य सेवार विकल चित्र सामना को आसी जिलार 220 बदल काम कर 124 डाक्तर 220 जन रहा कथा जिंतु किंतु जो रोचते 124 जन। अनेपटे सुखिला पड़ी नदी नाल और बण पहाड़ बरगढ़ जिले में अनावृष्टि से दृश्य मत आसुच्छे। तो चिन्मय जदि प्रथम खबर पर जो कथा कहते जे प्रथम खबर आम रखीछ भयंकर हेबनी तृतीय लहर वर्ष शेष बेलू जो कथ कर्ष शेष बेलू संपूर्ण स्थिति नियंत्रण आसी कि मात्रा आकलन करा जे सेप्टेम्बर अक्टोबर बेलू तृतीय लहर आसब प्रत्येक दिन हाराहारी 4-5 लाख पॉजिटिव चिन्हट हे और से मध्यर 23% शिशु हस्पिटालाइजेशन हे। अनेक आकलन करुछंती द्वितीय लहर भली तृतीय लहर मध्य भयंकर हेबना किंतु भयंकर हो समस्त परिस्थिति को दृष्टि रखी सरकार पक्षर समस्त पदक्षेप ने जरूरी पड़ी। निश्चित भाव में माधुरी खास करी थाल लहर जो पिला मानक कथा कह जाऊछि शिशु माने अधिक प्रभावित हेबे खास करी केमती शिशु रोग विशेषज्ञ राज्य रे अधिक रहबे से बाबद रे वर्तमान चिंता करबार आवश्यकता रहिछि। तबे बाबद रे अधिक आलोचना पई स्वप्ना जोडी होछंती हम प्रतिनिधि स्वप्ना को पाख को जिबा पई जिबा स्वप्ना खास करी वर्तमान जो तथ्य आसी पहुँचुची जे भयंकर हेबनी तृतीय लहर एक कह जदियों तृतीय लहर आसब किंतु सामान्य फ्लू भली तार एक्टिविटीज गुड़ा देखा बाबद कौन रधिक सूचना देखते चिन्मय जो भाई भाव में तृतीय लहर को लेकिन समस्त गोटे आशंका था कहीं तृतीय लहर कौ मान बेसी क्षतिग्रस्त करदी यह स्पष्ट हो शिशु मानू अधिक अधिक यह संक्रमण करु विभिन्न तथ्य अनुसार विभिन्न मॉडल भिन्न भिन्न कथा कहते जे IIT कानपुर कथा जहाँ सूचना अच्छी तृतीय लहर से अधिक प्रभावित होबना जहाँ द्वितीय लहर संक्रमण संख्या जिते अधिक थे कितु जदिओ तृतीय लहर एत अधिक माने हेबो नै किंतु द्वितीय लहर भयावहता को देखी साधारण लोक समस्त चिंतित अच्छा कहीं ये शिशु 0-18 वर्ष बयस समस्त शिशु और किशोर मानक अधिक रु अधिक आक्रांत करपटे DMAT CBK महांति कहते जे जदियो द्वितीय लहर भलिया अधिक रु अधिक परिमाण रे तृतीय लहर अधिक प्रभावित करिवार सूचना नाही किंतु जहाँ कथा आसुची जे समस्ते या प्रति दृष्टि दबा आवश्यकता करुचे कहीं शिशु माने अधिक रु अधिक संक्रमण हेले कोठना कोटी ता सहित अभिभावक एवं पूरा परिवार संक्रमित होबार आवश्यकता अच्छे तेणु राज्य सरकार एथिप्रति सचेतन हवा जरूरी जरूरी हो पड़ी एवं जहाँ आवश्यकता पदक्षेप नवा कथा जमीक स्वास्थ्य भित्तिमि कथार प्रसंग आसूँ कहीं राज्य में बर्तमान कॉविड हस्पिटाल और नन कॉविड हस्पिटाल शिशु मानक बेड संख्या बढ़ा जबार आवश्यकता अच्छे सेपटे भेन्टिलेटर कथ कहतु ICU कथ कहतु जे एपर्यंत जो शिशु मानक संख्या जहाँ संक्रमण संख्या 23% रही जदि तृतीय लहर भारी बदलाए यार रूप बदलाए ताहले अधिक रु अधिक शिशु संक्रमित हेबे किंतु वर्तमान केरल जदि देशर पूरा चित्र आम देखुचे ताहले राज्य केरल सबुठारु अधिक वर्तमान शिशु संख्या जो तृतीय लहर बा थर्ड वेव अच्छी वर्तमान सेठी अधिक संक्रमण होउची तेणु कोटना कोटी चिंता बढ़ाऊँची जदियो मॉडल भिन्न कथा कहुचे जे हुए तो तृतीय लहर से प्रभाव ओडिशा को न पकई पारे किंतु कोटना कोटी आमको सचेतन हबार आवश्यकता अच्छी राज्य में जो स्वास्थ्य भित्तिमि
ଭିତ୍ତିଭୂମିର କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ହେଉ ବେସରକାରୀ ହେଉ ସବୁ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ନନ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁଠି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ ବଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ନିର୍ମାଣ କରି ନହେବ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ MBBS ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ବା ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କେମିତି କାମ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମାଧୁରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଖାସ କରି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଥାର୍ଡ ଲହରର କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା ମାଧୁରୀ। ନିହାତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଯେ 11 ମାସ ତଳୁ ଚୁକ୍ତିର କଣ୍ଟ ପୂରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଧିମା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କାମ ସରିପାରୁନାହିଁ। ଏ ଖବର ଆସୁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନଗଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 30 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 10% ବି କାମ ସରିନି, ଯାହାକି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 14 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଚୁକ୍ତି ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଚୁକ୍ତିକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାବଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର 10% ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନ ହେବା ପରିତାପର ବିଷୟ। ଦାନଗଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଉନ୍ନତମାନର ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ 20,000 ବର୍ଗଫୁଟର 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର, ଆଉଟଡୋର ଆଇସିୟୁ ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, 11 ମାସ ତଳୁ ଚୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ କଣ୍ଟ ପୂରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ 10% ବି କାମ ସରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକି ତ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଚିନ୍ମୟୀ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 4ଟି ବ୍ଲକ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁକିନ୍ଦା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦାନଗଦୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ମାତୃ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି ପାଖାପାଖି 9 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କାରଣ 2020ରେ ଏହାର ଅବଧି ପୂରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନଗଡ଼ା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଦାନଗଦୀ ଭଳି ଏକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସରକାର ନିଜେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତୁରନ୍ତ କିପରି ଗୋଟେ ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ମଧ୍ୟ 10%ର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେଉଁ କାମକୁ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କାମକୁ 10 ମାସ ଆର ଅବଧି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କରୋନାର ସ୍ଥିତି ବା ଥାର୍ ଲହର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ୟା ଭିତରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଯେଉଁଠି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ନିୟୋଜିତ କରିବା, କେମିତି ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦେଖି ସବୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଇଏ ସବୁ ଦିଗରେ ସରକାର ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ କରୋନା ଆଜି ଆସିନି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲଗାତାର ଆମେ ଏହାର କରାଳ ରୂପ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି 2 ବର୍ଷ କଣ୍ଟ ପୂରିଥିଲେ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେବା କଥା ମାତୃ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକରଣ ଭିତ୍ତି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୋନାର ଲହର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିଶୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେଣି କୋଭିଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏଭଳି
परिस्थिति उपजुची कि दानगदी भाया स्थान में गोटे प्रकार शिशु और मातृ जो हस्पिटाल निर्माण कार्य 10% मात्र होता बेले जाजपुर मुख्य चिकित्सालय जो विभाग टी रही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र जो रही सेटिकी जो पे शिशु मैंने आसुच्चान उचित उन्नत मान स्वास्थ्य सेवा पा ना जहाँफल से सीधा सड़क कटक को स्थानांतरित किंतु प्रशासन पक्ष कौन से पदक्षेप निते वर्ष समय लगे ही अपेक्षा रही है गोटे बड़ प्रश्न आसूँ पूर्व धन्यवाद जाजपुर आम रिपोर्टर परमेश्वर बेहरी आम सहित जोड़े चिन्मय परवर्त खबर पर नजर पक निश्चित भाव में माधुरी जे खास कर देखा जाए ये सब जगार ये चित्र सामना को आसे केवल बर्षा दिन आसे कारण जो ब्रिज सेतु ये सब कथा आसे रास्तार काम कथा आसे से तो ये चित्र सामना को आसे कारण खास करी लोक माने बर्षा दिने अधिक समस्या दे जुझी होता तबे खबर टी जहाँ वर्तमान प्रकाश पाई खबर कागज रे 5 कोटी निर्माण चली साउलिया नदी उपर सेतु अवधि सरी किंतु कार्य सरुनी ये खबर टी हूँ जगतसिंहपुर जिलार बालिकुदा एरसुमा ब्लॉक को संयोग करुथिबा सोमपुर पंचायत कांजियाकड़ राजस्व ग्रामर बर कुलियांट गारडमल निकटस्थ अलका हंसुआ नदीर संगम स्थल निकट साउलिया नदी उपरे 5 कोटी व्यय बरादे एक सेतु निर्माण कम चली किंतु वर्तमान भित्तिप्रस्तर को 4 वर्ष तले भित्तिप्रस्तर करवधि सरी सारी निर्माण कमर कितु वर्तमान सुधा कम सरुनी आ खास बालिकुदा एरसमा निर्वाचन मंडल में 12 पंचायत हजार हजार जनसाधारण पोल उपर निर्भर करसमा कथ कहतु पंचपल्ली गोड़ा आंबिकी पद्मपुर पारादीप पुजंग आदि स्थान को संजोग पोलटी एकमात्र मध्यम अटे कि वर्तमान सुधा ताम शेष होना आ 5 कोटी ऊर्ध टा व्यय बराद कर सत्वे निर्माण स्थल में सूचना फलक लगे माधुरी ये हूँ सबुठ विड़म्बनार कथा जो खास करी अधिक आलोचना रिपोर्टर विश्वजीत बराल रही विश्वजीत प्रत्येक दिन लोक हजार हजार लोक सही रास्ता आसवा कर विपद संकुल अवस्था जांच कर प्रशासन पक्ष कौन पदक्षेप नि कहीं देखु माधुरी 2018 जी तत्कालीन थे एटी विधायक प्रशांत मुदुली से प्रथम भित्तिप्रस्तर स्थापन भित्तिप्रस्तर देते किंतु जो चुक्ति होता कंट्राक्टर सहित जे 1 वर्ष मध्य तार कार्य समाप्ति किंतु वर्तमान 4 वर्ष पूरा बसला कि वर्तमान सुधा कार्य सर जहाँ वर्तमान बहुत बड़ विड़म्बनार विषय जो अच्छा जो स्थानीय लोक से क्षोभ प्रकाश कर प्राय 12 पंचायत हजार हजार लोक से ही सेतु पर निर्भरशील पूर्वर जो सेतुटी थी ता विपद संकुल अवस्था थी जो 2018 नूतन सेतुपी अनुमोदन मिलता किंतु लोक मैंने से खुशी किंतु 4 वर्ष बीती जाते सेतुर कम न सरी पार लोक मैंने गोटे मानने बहुत क्षोभ प्रकाश कर लोक मैंने आम एने पचारूँ जी आर डी अच्छा जेई अच्छा आम पचारूँ कितु से कहते आम कंट्राक्टर को देदेचु कितु से केवे कम सर कम सारे आम आपको कहू कि प्रथम कथा है जो चुक्ति होता 1 वर्ष मध्य सारे कथा ताहा कुआडे गला कौन पे से 1 मास मध्य तार जो कार्य समाप्ति कौन पे कले ना एवं जो मैंने लोक मैंने असुविधार सम्मुखीन होती से कौन पे अणदेखा कराऊँ मैंने लोक मैंने जो मैंने प्रतिदिन हजार हजार लोक जामी आम कह गए जो सियाली बेलाभूमि अच्छी आमर पद्मपुर पंचायत सियाली बेलाभूमि जहाँ को 2016 मसीह मान्यता मिलता आमर पर्यटन स्थल मान्यता सी हूँ एकमात्र रास्ता येपट दे बालिकुदा एरसम लोक मैंने जाती जो पर्यटन स्थल की जो जाती लोक मैंने रास्ता दे कि ही जाती पोलटा जदि ठीक समय होता यदि सरी जाए था एत असुविधा हो न था जहाँ लोक मैंने कहते केवल ये पोल क्या नुह था कि गोटे बड़ प्रश्न आसुच्छे चिन्मय प्रशासनिक अधिकारी विभाग अधिकारी समस्त करुँच कौन कहीं अवधि सरीगला कितु कम एपर्त सरी पार ना बहुत बहुत धन्यवाद जनवे विश्वजित बराल आम रिपोर्टर आम सहित जोड़े थे चिन्मय परवर्त खबर पर आम नजर पक निश्चित भाव में माधुरी वर्तमान सारा विश्ववासी को एक विचलित करुच्चे वर्तमान अफगानिस्तान स्थित कारण अफगानिस्तान में तालिबानी शासन चली तालिबान मान वर्तमान अफगानिस्तान को कब्जा कर अफगानिस्तान प्रति जीवन वर्तमान पूरा भयर रही सेठी जो
स्थिति रे रहितबे से स्थिति को मध्ये आमे अनुमान करि परुचु कारण जे खबर प्रकाश पाइछि प्रत्येक दिन खबर कागज रो शिरोनामा पालटुचि अफगानिस्तान रो खबर आउ आज जे खबर आसुचि ताहा मध्ये विचलित करुचि खबर टि होउचि जे अत्यावश्यक सामग्री वर्तमान अफगानिस्तान रे तीन गुणा महंगा होइछि एटीएम खाली पड़िछि डाक्तरखाना रे डाक्तर नर्स नहांती वर्तमान निज माटी रे बासहरा होइछंती 35 लाख विश्व बैंक बंद करिछि सहायता चीन तालिबान आलोचना चली खास करी निज माटी रे जदि 35 लाख लोक बासहरा हेबे एवं घर भितर तालिबानी शासन करथिबा लोक माने पसिकि मारी देबे एवं गुली करिबे ये सब दृश्य निश्चिंत भाबरे कोठना कोठि व्यतीत करिबो माधुरी खास करी ए बाबद रे आलोचना करिबा गगन आम सहित जोड़ी होछंती गगन वर्तमान तालिबान रो बा ये जो शासन चली अफगानिस्तान वासी को स्थिति देखिकी वर्तमान सारा विश्ववासी विचलित होती जे खास करी केमती यार पदक्षेप निमती ये संकट रु मुक्ति कारण वर्तमान से सबू प्रत्येक सामग्री दर वर्तमान आकाश छुआ हो कारण जिते बड़े बैंक बंद रही टंका ना एटीएम रे एवं डाक्तर नर्स मैंने आसुना जो मैंने तालिबानी रही सबुठ वर्तमान कड़ा प्रहरा देउछंती एयरपोर्ट कथा कहतु एयरफोर्स कथा कहतु सबू जगार वर्तमान जिनस अत्यावश्यक सामग्री बाहर आसी पारना जो कि एपटे जीवन रय सेपटे जीविकार भय कौटिना कौटि वर्तमान समस्ते जुझी होती अफगान जो देखा अफगानिस्तानवासी कौन कहे ए बाबद्रे जी देखा जावा यूएन कौन निष्पत्ति नहीं पारे केमती लोक मैंने से मुकुबे केमती से भविष्य को नहीं से चिंता करेंगे कौन हो पारे आगामी स्थिति देखो चिन्मय निश्चित भाव ये तालिबानी शासन रोटे रूप बोली क्राटेजी कहीं लोक मैंने असुविधार सम्मुखीन हे लोक मैंने लोक मान मौलिक अधिकार वंचित करो मैंने बाध्य आगामी दिन में तालिबानी शासन को अपने ये गोटे स्ट्राटेजी एटीएम बर्तमान खाली रही नर्सेस मैंने मेडिकल आसना स्वास्थ्य व्यवस्था बर्तमान पूरा विपर्यस्त आम देखु जो मैंने भारत आसे भारत में कि भाव जो अफगानिस्तान शरणार्थी मैंने आसमान कोविड पॉजिटिव बाहर तेणु बर्तमान कोविड रोटे भय अफगानिस्तान रही तेनाली स्थिति में जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस रही अन्य राष्ट्र सहित ब्यान कर दिए निजर संबल को से जो अन्य बाहर देश रु मगौते निजर अत्यावश्यक सामग्री कथा जी सामना करते तो निश्चित भाव ये असुविधार सम्मुखीन लोक मान कईले लोक मैंने अतिरिक्त आतंकित हो पड़े लोक मैंने बाध्य सपोर्ट करेंगे से सरकार को मानि ने गोटे से स्ट्राटेजी हो पाए अंपटे देखिए विश्व को से मेसेज दवापाई चाहूंगी आम कौन धर्मानुष्ठान हो कौन व्यक्ति विशेष हो कौन जो दूतावास गुड़िक हो आम कौन आक्रमण करू ना पूर्वर जो आम स्ट्राटेजी थी जो नाइंटीज बारंबार कहु नाइंटीज सरकार से सरकार हेब ना आम सब वर्गर लोक को लेकिन आम सरकार गठन करू विश्व को गोटे छवि देखुं कि परोक्ष गोटे स्ट्राटेजी से आगक पड़ुं तृतीय कथा है भारत प्रति जथेष भय रही जो भाव आप कहते खबर शिरोनाम बिपिन रावत जे रही सीडीएस से गत गोटे कार्यक्रम जो पार्टिसिपेट करते गणमाध्यम क्वेश्चन था भारत कौन सतर्कता स्ट्राटेजी नेवा उचित सुरक्षा दृष्टि डिफेन्स क्षेत्र में सीधा सड़क डिफेन्स जो रही हेड सीडीएस मुख्य जी रही सीधा सड़क कहते आमको तालिबान रु जी भय ना पाकिस्तान रु से भय रही कहीं पाकिस्तान देखिए जैसी मोहम्मद हूँ लश्कर तोयबा हूँ से सीधा सड़क बर्तमान राजरास्ता को आसुच्च गोटे विद्रोह देखा दे पाकिस्तान में काश्मीर दखल नहीं तेणु निश्चित भाव से बर्तमान काश्मीर में गोटे परिस्थिति खराब करने चेस्टा करेंगे तेणु से ताकू नहीं कि बर्तमान भारत सरकार पूरा जत्नवान अच्छा काबुल देखिए किसी दिन पूर्व अनेक गुड़े भिसा चोरी होगा तेणु ताकू नहीं कि सरकार सबू भिसा को रद्द कले बर्तमान सीधा साल ई भिसा कार्यकारी कराई तेणु अनेक गुड़े स्ट्राटेजी नहीं कि भारत आगक बढ़ुच्छे और पूरा तालिबान में देखिए जो सेमाने जो तालिबानी शासन से रही अनेक राष्ट्र बर्तमान से निजर जो रही अधिकारी मान रही जो ऑफिसर मान रही जो साधारण कर्मी मान रही जो मैंने बिजनेस करते जो मैंने परमानेंट रेसीडेंट समस्त बर्तमान इनवर्टमेंट मोड में बर्तमान रही स्थिति में बर्तमान मिलित राष्ट्र पूरा नजर रखी कहीं से बर्तमान पर्यटन देखिए कौन जो मानवाधिकार उल्लंघन जिते हुए सीधा साल हस्तक्षेप कैसे तो
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। संपूर्ण रूपे जो सोशल मीडिया सेटा रही सोशल मीडिया पर बैन कर देले से फेसबुक चालूनी अनेक गुड़िया सोशल मीडिया प्लाटफर्म से सीधा साल ट्राक करेणु चाहूना जो बर्बरता से मेसेजा विश्व स्तर को जाऊ जहाँफल विश्व आक्रमण कर किसी गोटे प्रेसर आई से सृष्टि पारे। चिन्मय निश्चिंत भाव में गगन बर्तमान समस्त नजर रही खास करी कौन निष्पत्ति पारे एवं अफगानिस्तान पूर्व वी परवर्ती स्थिति कौन वर्तमान समस्ते आपको नहीं चिंतित किंतु गोटेपटे जदि देखा भारत सरकार जो निष्पत्ति ये कौन सी तरबरिया निष्पत्ति निपाई सरकार मास्टर प्लां कर प्लां भितर केमती कौन सब रणनीति प्रस्तुत कर दिगरे सरकार बर्तमान सुधा आज सर्वदलीय बैठक डाकिबे एवं कौन निष्पत्ति नेबे तापर मध्य नजर रहिबो किंतु कथा आसुची जे वर्तमान सेठी अफगानिस्तान रे जीवन गुड़िक पूरा असह्य हो पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपणकर तमाम सूचना पाई। तबे माधुरी परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा नेते चिन्मय जदि परवर्ती खबर उपरे आमे नजर पकाइबा स्वास्थ्य सेवा कथा जेतोला आसे सामना कोची आमो राज्यर राज्य सरकार सबबळे कहंती जे स्वास्थ्य सेवा सठिक दिगरे चालिछि किंतु जगतसिंहपुर जे चित्र आसुची एवं स्वास्थ्य सेवार जो विकल चित्र आसुची जिला रे पाखापाखी 220 बदल में काम कर 124 डाक्तर एवं कोविड महामारी बेले जिते बड़े स्वास्थ्य सेवा उपर समस्त विशेष गुरुत्वारोप कर विशेष प्राधान्य दि जाऊँगी किंतु से भाई समय जगत सिंहपुर एभली अभोग आसूँ डाक्तरखाना भित्तिमिर उन्नति विभिन्न योजना हाथ को निशिंहपुर जिले में भी यार उदाहरण देखा माधुरी ये टी कहें चाहिए जे खास करी आम जो देखुचे कोस्टल एरिया जाऊँ जगत सिंहपुर जिला आते पारादीप पोर्ट रही अनेक समय राजस्व आदाय कर राजस्व आसू जगत सिंहपुर जिला को आपड़ जब नजर में देखिए से भाई कौन से उन्नतिमूलक कार्य आज पर्यंत होना एवं स्वास्थ्य कथा जमी आप कहते अनेक समय से किसी मंत्री रही जो विधायक रही जो माने स्वास्थ्य मंत्री हिसाब से राज्य में काम करु देखो तो स्वास्थ्य सेवार वर्तमान विकल चित्र आसूरी जे सठिक भाव में डाक्तर नहांती वर्तमान जो महामारी समय आसी निश्चिंत भाव में जगत सिंहपुरवासी को व्यथित कर मानस कानून आम सहित जोड़ी होती जगत सिंहपुर मानस खास करी जगत सिंहपुर स्वास्थ्य अवस्था को केमती देखती आप कारण जगत सिंहपुर मुख्य चिकित्सालय कथा कहतु एवं कौन सीएससी पीएससी ए सब कथा को देखु केमती देखती केमती चली स्वास्थ्य अवस्था। हाँ देखो चिन्मय जगत सिंहपुर जिले में स्वास्थ्य अवस्था एक प्रकार विपर्यत जैक बर्तमान जिते जिलापा आसला धीरे धीरे यार डेवलप करते स्वास्थ्य जिते डॉक्टर अभाव रही से स्वास्थ्य व्यवस्था विपर्यस्त अवस्था रही जिले में हाराहारी 8 सीएससी सहित 35 ऊर्ध पीएससी रही जो थी कि 220 जन डाक्तर आवश्यकता रही कि बर्तमान सुधा समस्त पीएससी सीएस को हिसाब कले मात्र 119 जन डाक्तर रही हरार 101 जन डाक्तर पदवी खाली पड़ जहाँ को लेकिन रोगी सेवा बाधाप्राप्त हो जो इंटरनेट एरिया कहतु मछवा कहतु बालिकुदा कहतु नाउगुआ कहतु कुज कहतु यो अंचल डाक्तर अभाव रही विभिन्न ट्रेडर से लोक मैंने जिते बड़े असुविधा पड़ते हेडक्वार्टर हस्पिटाल आम हेडक्वार्टर हस्पिटाल कथ चिंता करने को गले मोट हेडक्वार्टर हस्पिटाल 58 जन डाक्तर आवश्यकता रही मात्र से बर्तमान रही मात्र 34 जन ये जो 58 जन डाक्तर 14 जन रही से जो कागजपत्र 41 देखाई 6 जन डाक्तर कटक काम करते जड़े लंबा छुट्टी ये निश्चित विड़म्बनार कथा जो सदर महकुमा हस्पिटाल जिलार समस्त दायित्व रही समस्त रोगी मैंने अव्यवस्था देखा अनेक दिन रु देखा मिलू दीर्घ वर्ष रु ये अव्यवस्था लग रही खास करी ये बाबद जी जगत सिंहपुर बासी रही बुद्धिजीवी रही विरोधी रही कौन प्रतिवाद करूना कहीं वर्तमान प्रभाव पकाऊना जिला स्वास्थ्य अधिकारी कहीं प्रभाव पकाऊना स्वास्थ्य मंत्री देखु आ पूर्व जिते बालिकुदा मेडिकल कथा चिंता कर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रही है से डाक्तर अभाव जो बारंबार राजरास्ता को ओल्लैंट लोक मैंने किभली भाव में डाक्तर पोस्टिंग हम यहाँ को रास्ता रोक बारंबार कर आज पर्यटन से डाक्तर पोस्टिंग हो पारे जो मातृ शिशु भवन डाक्तर आज पर्यटन पोस्टिंग जहाँ को लेकिन साधारण तीव्र असंतोष प्रकाश पाई सहित पारादीप रही पारादीप विजु पट्टनायक मेमोरियाल हस्पिटाल रही 11 जन डाक्तर आवश्यकता रही बेले 5 जन बर्तमान डाक्तर आवश्यकता रही कुजंग हस्पिटाल कथा चिंता करने को कुजंग हस्पिटाल मुख्य चिकित्सालय रही 6 प्राथमिक चिकित्सालय रही 17 जन डाक्तर आवश्यकता रही 7 जन डाक्तर अच्छा
निश्चिंत जगत सिंहपुर बासी की खास करी जदि देखिबा शिक्षा दिगरे मध्य जगत सिंहपुर रे अधिक शिक्षित लोक अछंती आ शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आगेछि किंतु कथा आसुछि स्वास्थ्य सेवा संपूर्ण विपर्यस्त आ जेतेबेले स्वास्थ्य कथा आसुछि सेतेरे अनेक नेता मंत्री जो माने मंत्री रे रहिछंती काम करछंती स्वास्थ्य मंत्री हिसाब रे काम करछंती आपण मध्य जानिथिबे किंतु एभळी चित्र आसीबा निश्चिंत भाबरे विडंबनार कथा कोठिना कोठी एठु मने होछि जे आंतरिकता नाही जगत सिंहपुर जिला रे केमती उन्नति करा जिबो बहुत बहुत धन्यवाद मानस आपणकर तमाम सूचना पाई ते माधुरी परवर्ती खबर उपरे नजर पकायबा चिन्मय आमे देखिछु जे गांठु शहर जदि सबुठी आमे देखिबा वर्षा चिंता लागि रहउछि जेउथि पई के मरुडी परिस्थिति देखा देउछि केउठारे वृष्टिपात अभाव जकु एभळी स्थिति देखा देउछि ता सहित जलसेचन ये सबु भितरे चासीटिए समस्या भोगुछंती साधारण जनता मध्य समस्या भोगुछंती किंतु बड कथा एठी आसुछि जे बरगड़ जिलार जो दृश्य आसुछि एठारे सुखिला पड़ी रहिछि नदी नाळ बण पहाड़ एवं लोकमानंक पई मध्य समस्या एथिपई भोगुछंती कारण जंगल भितरे थिबा कुओ पोखरी ताहा मध्य सुखिबाकु बसिलानी फळरे जंगल जंतु जल समस्यारे पडुछंती गाँ गुड़ी करे थिबा पोखरी कुओ ए सबु रेथिरे मध्य पानी समस्या देखिबाकु मिलिछि किंतु गोटे पटे वर्षार समय चलीछि किंतु अन्य पटे नदी नाळ बण पहाड़ सबु किछि सुखिला पडिछि ए बाबुत्र अधिक आलोचना करबा मनीष आम रिपोर्टर आम सहित जोड़े रहिछंती मनीष एभली जदि संकट देखा दिए तो आम तो ये कहीपरिया सीधा सड़क जो जल संकट आग को आहुरी स्थिति संकटापन्न हो अचलावस्था आग को आहुरी मत देखा मिल निश्चित रूपे माधुरी जदि आम कह बरगढ़ जिला कौन सारा राज्य में जो वर्षा अभावी वर्षा देखा जाइए आम जदि कह बरगढ़ जिले में चलित बर्ष जो भली वर्षा होगा कथा तारु 30% कम वर्षा होगी एवं जो नदी नाल जो कथा कहते आम जदि कह जो बण जंगल भितर जो वन्य जंतु गुड़िक रही जो वाइल्ड लाइफ तरफ पोखरी गुड़िक खुला रही है सेठे जो सेम पीवा पाप व्यवस्था कराए किंतु सेटा मध्य एबे सुखिबाकु लागिलानी जहाँफल से गाँ मुह हेबार लगिले निश्चित भाव एटा गोटे बड़ समस्या ता सहित जो चाषी रही चाषी जेहेतु बरगढ़ जिला को ओडिशार भातहांडी बोली कह जाए तो से आठटी जो ब्लॉक रही बरगढ़ जिले जेहेतु 12 ब्लॉक रही तो 8 ब्लॉक जो पदमपुर उपखंड अंचल रही पदमपुर पाइकमाल झारबंद भटली अम्बावना सोहेला यू अंचल गुड़िके एवं जो वर्षा रही कम अभावी वर्षा रही है जो चाष जमी गुड़िक रही सेठे एवं मट्टी फाटी आँ कला तो निश्चित भाव में चाषी एवं बहु समस्या सम्मुखीन हो गत थर जो भी भाव में धानर अभावी बिक्री शिकार होते एथर जो मरुड़ शिकार होती कहीं आगुर 2008 प्रथम मरुड़ होता और 2015 थे मरुड़ हो सारी एवं एबे 2021 पड़ एक महामरुड़ी देखा देखा मिली निहाते जितेबले सबुठी मरुड़ी चिंता रही कहीं वर्षा खूब कम जो देखा मिली विशेषकर पश्चिम ओडिशा जो मैंने चाषी रही धंदी होती समस्या प्रति के दृष्टि दि जाऊँ नजर बहुत बहुत धन्यवाद मनीष शर्मा बरगड़ रिपोर्टर आम सहित जोड़ी रही चिन्मय आगे आम खबर आलोचना करवा आम सहित अतिथि जोड़ी हे आलोचना करने सहित किंतु तापूर्वर सते सकाल समय हो छोट प्रोग्राम ब्रेक पर स्वागत आम सतेज सकाल जमीती किसी खबर को नहीं आलोचना करूँ तापर सतेज सकाल अतिथि था अतिथि पाखक जा आलोचना करवा कि पूर्व नजर पकड़ा कौन रही बर्तमान गुरुत्वपूर्ण हेडलाइंस अफगानिस्तान प्रसंग को नहीं आज बस सर्वदल बैठक केन्द्र वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर विरोधी आगे रखे सरकार रणनीति सेपटे अगस्त 31 पर आईनगत प्रमाणपत्र देखा देश बाहर को जीवाई अफगानिस्तान नागरिकों मिला अनुमति आज आरंभ हो जेई मेन परीक्षा दुईट सिफ्ट परीक्षा देते छात्र छात्री कोरोना कटक परीक्षा नहीं स्वतंत्र व्यवस्था ओडिशार 20 सहर में 41 केन्द्र केरल रे कोरोनार तृतीय लहर आशंका तीन मास परे प्रथम थर पर 30,000 केस चिन्हट मे 20 तारीख पर सर्वाधिक एक्टिव केस लोड 1,70,000 को वृद्धि केन्द्रापड़ा पुलिस दबंगगिरी परेशविद श्रीकांत नायकों केन्द्रापड़ा मेडिकल बलपूर्वक उठाए नेला पुलिस खरस्रोता नदी बचाओ अभियान में आमरण अनसर अच्छा श्रीकांत नायक आज बस श्रीमंदिर नूतन परिचालना कमिटी बैठक अध्यक्षता करेंगे गजपति महाराज दिव्य सिंह देव
ସେବାୟତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଏବଂ ବାହାରିନ୍ରୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଓଡ଼ିଶା ପଠାଇବାରେ ସହାୟତା କଲେ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ। ବାହାରିନ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କଲେ ନିବେଦନ। ନିହାତି ଚିନ୍ମୟ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ଆମେ ସେଗମେଣ୍ଟ ରଖିଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଥାଏ ସେ ଖବରକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ, ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି, ଖବର ନେଇ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟରେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଜଣେ ଅତିଥି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଜଣେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସତେଜ ସକାଳର ଆଜିର ଆମର ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ ସାନ୍ତାଳୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍କେ, ଯିଏକି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଛବିଶ ବର୍ଷ ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 30ରୁ ଅଧିକ ସିନେମା, ଅନେକ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଲବମ୍ରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିବା ସହ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ଲକ୍ରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଚନ୍ଦନ ଛୋଟବେଳୁ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ମାହିର। ଆଜି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍କେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ସତେଜ ସକାଳକୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ଚନ୍ଦନ, ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍କେ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କିଛି ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସେମିତି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ? ସାନାମ କୋଗେ ଜୁହାର ଆର୍ ତେହେଞ୍ଜ ସେତାରେ ଲାଗି ତେଦ ଅଡି ନପାଇ ଦିନ କେନା ଆର୍ ଇଜ ଅଡି ନପାଇ ବେସରେ ମିନେଞ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯଦିଓ ବୁଝିପାରିଲୁନି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆପଣ ତାହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବାସ୍କେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ କ୍ୟାରିୟର କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ସିଙ୍ଗର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଏ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲେ? କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ଗୀତର ସେତେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ତଳେ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଟିକେ ଗୀତକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମ ଆମ କଲଚର୍କୁ କେମିତି ଟିକେ ବଢ଼େଇବା, ଆଉ କଲଚର୍ରେ କେମିତି ସବୁ ଏସବୁ ନାଚିବେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ କଲଚର୍ ପାଇଁ ନିଜ ଭାଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର କଲେ, ସରି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ, ଆଉ ତାହା ପୁଣି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ। ତେବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି, ଏବେ ଏବେ ବି SS ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏଇ କାଲି ପରଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଧେ। ସେଇଟା ଥିଲା ଚାନ୍ଦରେ ଚାନ୍ଦରେ ଆଲମ ଗର ନିଦ ଦ ଆଲମ ଚରକ ଆମ ଦ ବାମ୍ବାଡ଼ ଇଞ୍ ଜୀବି ଜୁରି ଖନ ଦ ଚାନ୍ଦ ଆଲମ ଗର ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ନିହାତି, ଯଦିଓ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ଚିନ୍ମୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତରେ ମଧୁରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓକେ, ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବାସ୍କେ, ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି, ଘରେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ, ମୋର ତିନି ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅଛୁ, ଆଉ ମୋ ମୋ ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେ କମ୍ପୋଜ୍ ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ସାନ ଝିଅ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି।
तो घरे आउ किए किए रही जो मैंने कि संगीत को आपणाई केवल बड़ पु ना आपण झी जो अच्छा भौनी से माने कौन से संगीत रे पाद थापी मिसेस भी भल गाती से भी जड़े संताली भल सिंगर रेपुटेड सिंगर भी आंकर ना भी बहुत जन जानते गीता सिंह बास्के आज्ञा तो मोटामोटी उपरे चिन्मय आम कहीपर जे पूरा कलाकार परिवार रही स्त्री कथा कह जाए पुओ पर प्रायत गीत को आपणाई ओके आउ गोटे गीत शुणा को चाहिए जेहेतु आप हारमोनियम बजाय माहिर अच्छा आम कि समय पूर्व कहूलु तो आउ गोटे गीत शुणा को चाहिए गीत निश्चय ए गीतटा मो प्रथम ये आम कंपोज करूँ आम मोर जड़े सांग बंधु थे केसी हेम्ब्रम से एवं तो नहांती सेटा थिला मो मिसेस गाई आउ सेटा बहुत लोकप्रियता होता सेटा हूँ संगी बुरु लखा दिस महल कला इंजा जी लो खांदो ओ कोई जेला ए प्रकार गीत थिला जदियो भाषा आमे टिके बुझी पारुनो किंतु आपण जो इंस्ट्रूमेंट बजाउथिले इंस्ट्रूमेंट खूब सुंदर लागुथिला मधुर लागुथिला माधुरी नेते ए वाद्य यंत्र रे सुणीबा को आहुरी सुंदर लागुथिला जति कि ताको कंठ रे गीत सुंदर ए वाद्य यंत्र सहित मते गीत आहुरी सुमधुर होई जाउछे किंतु जे कथा को जाउथिला जे पाखा पाखी आपण 26 वर्ष धरी एही आपण एही लाइन रे अछन्ती बा 26 वर्ष धरी लंबा करियर आपण कर रहिछि से भितरे मुख्यतः अनेक फिल्म रे बा अनेक सिनेमा को जाउ शॉर्ट फिल्म को जाउ एसुपर आपण काम करिछन्ते एक्सपीरियंस केमति कोन रहिछि एक्सपीरियंस आ बहुत आमे इटु जाई कि जेतेबेले जेई रे काम करथुलु एटिक गीत सब कंपोज करकि सेठी रेकॉर्डिंग होउथिला आ ओडिसा रो बडो बडो कलाकार मानक संगरे मिसी तांको संगरे बहुत एक्सपीरियंस हमर बढी जाय आउ एते सेठी कहिया पई गले जेतेबेले मु कीबोर्ड भी बजाउथिली आउ सेतेबेले अक्षय महांती खका भाई जोटा तांको संगरे भी प्रोग्राम करछि आउ प्रणव पटनायक आमर प्रफुल्ल कर एमानको संगरे भी प्रोग्राम करिछु आउ बहुत भलो एई सब सेमानको संगरे मिसले श्रीचंदन बास्के खास करी जानबा पई चाहिबो जे सांताली भाषा को जदि आमे आसीबा आपनको भाषारो प्रमोशनल पई बा प्रमोट पई आपन कोन करती कारण आमे जानिछु जदियो सांताली भाषा को वर्तमान सुधा मध्य सेतिके लोक माने बुझी नाहंती जानि नाहंती जदियो आपन देखंतु संबलपुरी भाषा को लोक किछि किछि बुझिलेनी किंतु सांताली भाषा को सेते बुझि नाहंती किंतु अनेक समय रे वर्तमान मध्य देखा जाउछि जे सांताली भाषा रे मध्य किछि कविता लेखा जाउछि पुस्तक रचना करा जाउछि एवं सांताली भाषा रे मध्य किछि वर्तमान न्यूज ये चित्र देखा मिलूँ तेज आप गोटे निज व्यक्तित्व हिसाब से पर्सनाली आप के प्रमोट करती आप भाषा को आम भाषा प्रमोट पाई आम विशेषकर आम चिंता करूँ जे ये गीत माध्यम बहुत लोग यही आम भाषाटा को आपणे तेणुक आम पूरा डेडिकेशन हे गलु जे गीत सब तयारी करिवारे निश्चिंत भाव में आशा करूछु आपणकर डेडिकेशन को समस्ते बुझंतु एवं जो सांताली भाषा को मध्य वर्तमान सेमति किछि मान्यता दिया जाउ खास करी जदि जानबा पई चाहिबो सांताली भाषा छोड़ा आपण आउ को भाषा रे संगीत निर्देशना करंति अल्प मो उड़िया भाषा रे करिछि किंतु बहुत नुहे आउ अवश्य ओडिया म्यूजिक डायरेक्टर मानक संगे मिसी बहुत आउ संगे भी बसी काम करिछि आउ तांको ठार भी बहुत ज्ञान पाइछि
ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିଣେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା କଥା ଆସୁଛି ଆଉ ଏ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଗୀତରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଗଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମିଳେ? ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମିଳେ, ବହୁତ। ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜେଇ ପରେ ସାର୍ଥକ ହେଲା, ସାର୍ଥକ ସବୁ ସେଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ବାରିପଦାରେ ବି ଆମେ କିଛି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବୁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଆଉ ଆମ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମର କଟକ ଗଲେ ଟିକେ ପଇସାପତ୍ର ବେଶୀ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏଠି କଲେ କମ୍ ଟିକେ ପଇସା ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରିପଦାରେ ହିଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟଙ୍କା କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ କିଭଳି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। আমগে যদি হুই হুইলেন খান মন জুড়ে গা মো গীত গুড়া টিকে ভুলি যাচ্ছ পুরোনা হয়ে গলা তো আগকু গীত শুণবা আপনার সহ কথা হওয়া গীত আপনার ভাবিকি রাখি থাকতু সে পর্যন্ত আমি নিয়ে যাচ্ছি গোটে ছোট ব্রেক। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆମ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବାସ୍କେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ ମୋଟ କେତୋଟି ସିନେମାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସିନେମା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିନେମା କ'ଣ ରହିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଥିଲା ବୋଧେ ଚରକ ଚିକାଣା, ଚରକ ଚିକାଣା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ କାମ। ଏମିତି କି ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ମ, ପ୍ରାୟ 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ କେବେ କ'ଣ, କେତେ ଦିନର ପୁରୁଣା ରହିଥିଲା ସେ ଗୀତ, ଆଉ ସେ ଗୀତରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଅଧିକ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ 30ରୁ ଅଧିକ ସିନେମା ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁଥିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିଛି ବା ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କେଉଁ ସିନେମାରେ ଲୋକ ଅଧିକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବା ଲୋକ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେଇ ଫିଲ୍ମରୁ? ଗୋଟାଏ ଫିଲ୍ମ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାର୍କେଟ ନେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି କାହାକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଦେବା ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବିନି। ତେବେ ବି ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ ବହୁତ ରକମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆମ ଆଦିବାସୀରେ ତ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ପିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କୁ, ଆପଣ ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଗୀତ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି? ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୀତ ଶିଖାଉ ନାହିଁ,
ଏବେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିଛି, ବାହାରୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲରୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆସାମରୁ, ସେପଟେ ଦାର୍ଜିଲିଂରୁ ଏମିତି ବି ଆସନ୍ତି, ନେପାଳରୁ ବି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଖାଲି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଡେଡିକେସନ୍ ହେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ତ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଆଗକୁ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ କିଭଳି ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବେ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାକାର ହେଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍କେ, ଯିଏ କି ସାନ୍ତାଳୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ଆମ ଅତିଥି, ଆଜି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହୋଇଥିଲା ସେ ଖବରକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆମ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଛି, ସତେ ସକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।